जब एक समय था यूपी में जब सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में होती थी। गुंडागर्दी भी इस दर्जे की कि माफिया कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ा देते थे, लेकिन सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीख का आज ही ऐलान होने वाला है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिली है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान रामलला की नगरी अयोध्या से विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लिखो जय श्री राम कमेंट में। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम अयोध्या में इस समय सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों से संपर्क में है। खबर मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम अयोध्या विधानसभा के सेक्टर प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों से बातचीत कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ओएसडी ने अयोध्या में कैंप भी किया है। ये ध्यान देने योग्य है कि कुछ दिन पहले अनौपचारिक बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व इस बात का निर्णय करेगा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। एक बड़े मीडिया चैनल के सवाल पर कि क्या अयोध्या या गोरखपुर से योगी जी चुनाव लड़ेंगे, तो सीएम योगी जी ने कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन खबरों की माने तो योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ये बड़ा आरोप लगाते हुए बोला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है, तो कभी वो कभी इस विधानसभा से तो कभी उस विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट भी नहीं दे रही है। तो इस तरीके का ओछा आरोप लगाने की अखिलेश यादव की हिम्मत कैसे हो जाती है योगी जी के राज में, ये भी मानना पड़ेगा। देखो, यही तो लोकतंत्र है। लोग कहते हैं योगी का जी फासिस्ट रिजाइम है और योगी आदित्यनाथ राइन ऑफ टेरर। अगर योगी आदित्यनाथ का राइन ऑफ टेरर होता तो अखिलेश की इतनी हिम्मत हो जाती? अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ये तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि खुद कहां से चुनाव लड़े। अब ये तो बात हो गई, चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का समय है। अब सरकारें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई सरकार अपने राज्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दे। वरना हमने यही देखा है कि एक के बाद एक सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ विशेष नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ इस समय उत्तर प्रदेश में हुआ है। जब एक समय था यूपी में जब सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में होती थी। गुंडागर्दी भी इस दर्जे की कि माफिया कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ा देते थे, लेकिन सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। पूर्ववर्ती सरकारों के शह में पनपे राज्य के जो तमाम भूमाफिया थे उन पर योगी सरकार का ज़बरदस्त डंडा चला है। योगी के चाबुक से आज उत्तर प्रदेश के भूमाफिया और तमाम जो गुंडे बदमाश हैं उतना ही मांग कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर विपक्षियों के पेट में कई मरोड़े भी आ गई हैं, लेकिन योगी तो योगी हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि और धर्म सर्वोच्च है। मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के रॉबिनहुड बन गए हैं। जैसे रॉबिनहुड अमीरों और अत्याचारियों से पैसा लेकर गरीबों में बांटता था, ठीक उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ भी जो अमीर गुंडे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं में धन लगा रहे हैं। दरअसल पिछले वर्ष अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार माफियाओं के चंगुल से मुक्त जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए घर बनाएगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। योगी ने पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश से माफिया राज को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों से 1,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की बात कही थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 1.5 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि जो असामाजिक तत्वों के नियंत्रण में थी वो आज योगी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है और इसकी कीमत 1,850 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी को तो राम राज्य कहते हैं। केवल राम मंदिर बनाने की बात नहीं, राम मंदिर तो बनाया ही बनाया योगी ने, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की भी नींव इस समय उत्तर प्रदेश में रखी जा चुकी है। और राम राज्य की नींव वही है कि जब जहां जहां अधर्म का नाश होगा वहां वहां राम राज्य होगा। यही योगी आदित्यनाथ का मिशन है और विजन है।
उन्होंने 6 जनवरी को यह भी कहा कि राज्य सरकार ने न केवल माफिया तत्वों की संपत्ति जब्त करी है बल्कि उनके अवैध परिसरों को भी ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार की संपत्ति थी। राज्य सरकार माफियाओं से मुक्त हुई जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए मकान जो है वो सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान व बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था वे लोग मेरठ में दशकों से रह रहे थे, ऐसे गरीब हिंदू परिवारों को हम लोगों ने प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि और 200 वर्ग गज भूमि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाकर मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया है। अच्छा, ऐसी बातें खबरों में ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन क्या विश्वास करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सताए हुए हिंदू आए हैं उनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मकान तक बनवा कर दिए हैं। अब वर्तमान में भू माफिया से 64,366 एकड़ जो भूमि है वो बरामद करी है और गरीबों के लिए मकान बनाने तथा बुनियादी सुविधाओं और उद्योगों के निर्माण के लिए इस भूमि को आवंटित किया जा रहा है। एक पंथ दो काज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उग्रवादियों को कड़ा संदेश दिया है। ये संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश में अब अराजकता और नहीं चलेगी और दूसरी ओर हर पीड़ित के साथ न्याय होगा। ये सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान माफियाओं ने गरीबों का जिस तरीके से खून चूसा, उनकी ज़मीनें हड़पी, वो कार्य अब उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। और बल्कि जो भू माफिया और जो गुंडे बदमाश थे, चाहे आजम खान की बात करें या अतीक अहमद की, इनकी खाल खींचकर योगी जी ने उतार कर रख दी है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कानपुर देहात इलाके में दशकों से रह रहे बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे सभी 63 बंगाली हिंदू परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों से मुक्त भूमि को एक भूमि बैंक के तहत लाया गया है और भूमि का उपयोग स्कूल, उद्योग और अन्य व्यवसाय स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति होंगी? इन बरामद ज़मीनों पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कई सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं, मतलब कमाल है, खुलेआम इसे रॉबिन हुड ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा रॉबिन हुड जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, कमाल की बात तो ये है, मुख्यमंत्री भी हैं, रॉबिन हुड भी हैं योगी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम से जहाँ एक पंथ दो काज हो रहे हैं, भू माफिया हो गए, गोंडे बदमाश हो गए, जब इनका सिस्टम, इनकी संपत्तियाँ, जब इसको इस तरीके से थरथरा के जब तोड़ दिया जाता है तो पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि अब वो वक्त नहीं है देश में कि जब खुलेआम गुंडागर्दी और ये भू माफिया गिरी चलेगी। अब तो खुलेआम ऐसे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे कुछ ही समय में, उस समय प्रदेश की जनता को ये बात याद रखनी होगी कि उनको उन लोगों को वोट देनी है जो वोट देने के बाद उन्हीं की ज़मीनों पर कब्जा करें, या उन लोगों को वोट देनी है जो आपको आपके अधिकार वापस दिलाएं, जो आपको न्याय दिलाएं और आपकी बहन बेटी सम्मान से रहे, उस पार्टी को वोट देनी है। ये आपको तय करना होगा। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।